वहीं करनाल में हुए धान घोटाले को लेकर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर की ओर से कहा गया है कि धान घोटाला मामले में कड़ी कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार वचनबद्ध है। बीजेपी समर्थक पंच सरपंच चुने जाने पर भी बयान उनकी ओर से दिया गया है। गांव में ज्यादा से ज्यादा विकास हो, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। तो ये बयान दरअसल दिया गया है कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर की ओर से पंच सरपंच चुनाव को लेकर जो बीजेपी समर्थक जीत कर आए हैं, अधिक से अधिक विकास हो इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। करप्शन को लेकर भी बोले हैं, पूरी तरह से करप्शन खत्म हो ये सरकार की प्राथमिकता है, सरकार इसके लिए लगातार काम भी कर रही है। तो ये बड़ी खबर यमुनानगर से आपको बता दें, करनाल में हुए धान घोटाला मामले को लेकर ये प्रतिक्रिया दी गई है कंवरपाल गुर्जर की ओर से, साथ ही पंच सरपंच को लेकर भी उनकी ओर से बयान दिया गया। बहुत अच्छी स्थिति में आप रोज देख रहे, रोजाना जो गांव के सरपंच हैं वो मिल नहीं रहे। और दूसरी बात ये भी है कि हमारी ड्यूटी है विकास करने की और सरपंच की ड्यूटी भी है विकास करने की, तो हम मिलके जो अपने ग्राम गांव की समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करेंगे बिल्कुल, ताकि लोगों का जीवन सुखी हो। कोई भी किसी प्रकार का भी भ्रष्टाचार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, और इसलिए सरकार ने उस सारे की जांच की और सरकार सबके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सर, जैसे पोर्टल भी चला मेरा फसल मेरा ब्यूरो, उसके बावजूद भी घोटाला होने का अपने आप में बड़ी बात है। देखिए, जो नई चीजें सारी शुरू की जा रही, कुछ लोग उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो लेकिन दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए, सुमित हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। सुमित, करप्शन को लेकर बात की है कंवरपाल गुर्जर ने कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना था कि जो भ्रष्टाचार है, जीरो टॉलरेंस को लेकर सरकार इस पर जो है लगातार काम कर रही है, और जो भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं उसमें कड़ी कार्रवाई की जाती है, और सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए वचनबद्ध है, और ऐसे मामलों में सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। जिस प्रकार से धान घोटाला, उन्होंने कहा कि इस मामले में भी सरकार ने कार्रवाई की है और सरकार द्वारा घोटाले रोकने के लिए जो है नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिस प्रकार से मामले सामने आते हैं उन पर भी जो उनका कहना है सख्ती से कार्रवाई की जाती है। और इसके साथ साथ ही अगर उनका कहना है कि लगातार जो मामले सामने आए सरकार द्वारा उजागर किए गए, चाहे वो पेपर घोटाला हो या हो, जिसमें जो भी लोग थे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की गई, और जिस प्रकार से धान घोटाला, इसमें भी उनका कहना था कि किसी को जो है बख्शा नहीं जाएगा, और लगातार जो भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उनमें सरकार जो है कड़े कदम उठा रही है और सख्ती से जो है सभी मामलों के अंदर कार्रवाई की जा रही है, ताकि जो दूसरे लोग भी अगर इस प्रकार का सोचते हैं भ्रष्टाचार के बारे में तो उन्हें भी कड़ा संदेश मिले, और इसके लिए लगातार जो है सरकार काम कर रही है, चाहे वो भ्रष्ट अधिकारियों की बात हो या भ्रष्टाचार के जो मामले सामने आए थे अब तक का। उनका कहना है कि हमारे कार्यकाल के अंदर सरकार द्वारा जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं उनमें कड़ी कार्रवाई की गई है। जी सुमित, साथ ही पंच सरपंच को लेकर भी कहा गया कि बीजेपी समर्थित भी पंच सरपंच जीत कर आए हैं, और अब चूंकि गांव की सरकार चुनी जा चुकी है 3 चरणों की, तो ऐसे में गांव का विकास हो, अधिक से अधिक विकास हो, इस सरकार की प्राथमिकता होगी। जी बिल्कुल, उनका कहना था कि जिस प्रकार से जो पंच सरपंच जीत कर आए हैं और हाल ही में जो चुनाव हुआ था, गांव की सरकार चुन ली जा चुकी है, और इसको लेकर भी जो पंच सरपंच जो है उनके निवास पर भी पहुंचे थे जो है उनसे मुलाकात करने, शिष्टाचार मुलाकात करने और बधाई देने के लिए, तो उस बीच उन्होंने कहा कि काफी जो शिक्षित वर्ग है वो भी सामने आया है, और जिस प्रकार से सरकार लगातार पूरे हरियाणा के अंदर बिना किसी भेदभाव से काम करती आ रही है, तो इसको लेकर आगे भी जिस प्रकार से अब गांव की सरकार चुन ली जा चुकी है, और इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जिला परिषद की जो नतीजे हैं वो 27 तारीख को आएंगे, तो लगातार चाहे वो ब्लॉक समिति चेयरमैन था जो अगर हम बात करें उस चीज की बात हो, या पंच सरपंच हैं जो जिस प्रकार से जो गांव का विकास है, तो उसके लिए जो गांव की सरकार चुनेगी, और लगातार सरकार पहले भी विकास के काम करवाते रही है, और जो आप गांव के विकास की बात करें तो उस विकास के कामों के अंदर जो है और तेजी आएगी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अभी हाल ही के अंदर जो चुनाव हुए हैं हिमाचल के अंदर और अभी गुजरात में चुनाव होने हैं, तो उनका कहना है कि जनता का आशीर्वाद जो है भाजपा को मिलेगा, और दोबारा से जो है गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि हिमाचल में भी एक इतिहास बनेगा, कि हिमाचल में जिस प्रकार से जो कहा जाता है कि जो एक प्लान के बाद जो है या तो कांग्रेस की सरकार बनती है बीजेपी, तो उनका कहना था कि एक इतिहास हिमाचल के अंदर भी दोहराया जाएगा, और हिमाचल के अंदर भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत शुक्रिया सुमित, पूरी जानकारी आपने दी। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर के बयानों को लेकर हम बात कर रहे थे, ये बड़ी खबर आपको बताएं।